हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका स्टैग नोटिफिकेशन का इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का न्यूमेरिकल जो मैं आपको पीछे करा रहा था उसका पार्ट टू। पूरा कॉन्सेप्ट इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे करते हैं, स्टैग नोटिफिकेशन क्या है, इससे पहले के दो वीडियोस में मैं करा चुका हूँ। उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में ये कराया था, उसके बाद मैंने इनफिक्स से पोस्टफिक्स के न्यूमेरिकल कराए थे। अब उसके बाद एक और यहां पर दो न्यूमेरिकल और कराऊंगा, और आपने अगर ये तीनों वीडियो कर लिए हैं अच्छे से, आपको बिल्कुल बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और कितना भी डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन दे दिया आप कर जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कुछ अलग है और ये कुछ वैसा ही है बट थोड़ा सा इसमें भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पीछे का आई होप आपने वीडियो देख लिए होंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो मिल जाएंगे। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मेरे पास है ये पूरा एक्सप्रेशन और मुझे इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ये लेट से ये मेरा स्टैक है और ये मेरा एक्सप्रेशन आर है, जो कि जैसे कि बनता जाएगा मैं करता जाऊंगा। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, लेफ्ट से राइट स्कैन करते हैं। स्कैन करा, सबसे पहले स्कैन किया तो मेरे पास आया ए। ए एक ऑपरेंड है, मैंने बाहर सीधा एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब नेक्स्ट मैंने स्कैन किया, स्कैन करके आया मेरे पास प्लस। अब ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है तो इसको मैंने स्टैक में ऐड कर दिया। अब यहां पर मेरे पास आया पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस आया तो उसको आप देखिए, बस आपको क्या करना है उसको स्टैक में आपने डाल दिया। देन नेक्स्ट आपके पास बी आया है, इसको मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया। इसके पास मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई जो आया है वो इधर आएगा तो उसको मैं, क्योंकि अभी पैरेंथीसिस आ गया, पैरेंथीसिस बीच में आ गया तो मेरे को यहां चेक करने की जरूरत नहीं, ये एक अलग पूरे एंटिटी चलेगी। सी आया था, सीधा यहां पे लिख दिया। अब माइनस, अब माइनस जो है, अब मैं कहता हूं लेट से माइनस एंटर करना चाहता है। अब ये है इसकी जो प्रेसिडेंस है, आपको करना क्या होता है, जब एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लेस होती है, जैसे कि आपको बताया था जो ऑपरेटर पहले से सिटिंग में है तो आप उसको पॉप कर दोगे पुराने वाले को और नए वाले को अंदर पुश कर दोगे, तो आपका जो स्टैक है वो कुछ नया इस तरह से बन जाएगा। ये और ये पॉप कर दिया तो आर आपका बन गया ए बी सी। अब आप इसको लिख दीजिएगा बस यहां के बाद, मैंने आपको पीछे तरीका बताया कि पॉप एज हैज लेस प्रेसिडेंस, और इसी तरह से आप आगे के स्टेप्स करते जाएंगे। मैं यहां पर आपको इसी इसमें करके दिखा दूंगा पूरा, एक एक स्टेप बार 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 लिखूंगा नहीं, तो उस तरह से हम लोग को एग्जाम में करना होता है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी विल स्कैन दिस, यहां तक मैं स्कैनिंग कर चुका हूं ठीक है। अब इसके बाद ये स्कैन करते हैं, ये आया पैरेंथेसिस दोबारा से आया तो मेरे पास नया मेरा स्टैक इस तरह से बन चुका है, उसको मैंने पैरेंथेसिस को इधर एंटर करा दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट डी, डी को बाहर रख दिया। उसके बाद डिवीजन आपका आया, डिवीजन को एज इट इज यहां पर डाल दिया क्योंकि खाली था यहां पर पैरेंथेसिस के साथ। इसमें बहुत सारे पैरेंथेसिस था इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया कि मल्टीपल पैरेंथेसिस आ जाए और अभी भी स्टैक खाली नहीं हो रहा है तो किस तरह से टैकल करेंगे आप। यहां तक मैं हो चुका हूं, इसको स्कैन कर चुका हूं, ई बाहर लिख दिया। अब मेरे पास एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट आया तो यहां पर अगर मैं देखूंगा एक्सपोनेंट बेसिकली हायर प्रेसिडेंस का है, तो अगर हायर प्रेसिडेंस आता है तो आपका वो नॉर्मली स्टैक में बस पुश हो जाता है, तो बेसिकली ये आप कहेंगे लिख दीजिए चाहे तो आप, अब लिख दीजिए इसको कि व्हेन स्कैंड एक्सपोनेंशियल देन
पुशिंग एक्सपोनेंट हेयर बिकॉज ऑफ द हायर प्रेसिडेंस। अब इसके बाद यहां पर अगेन एफ को स्कैन कर लिया, नेक्स्ट एलिमेंट आया पैरेंथीसिस, पैरेंथीसिस यहां चला गया। अब आप देखोगे पैरेंथीसिस लेफ्ट भी है राइट भी है, ये है तो क्लोज हो जाएगा और पॉप करना चालू कर दूंगा, मतलब ये पूरा मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है और अब इससे पॉप करूंगा। तो ये हट गया सबसे पहले, अब ये पॉप हुआ, पॉप होके ये यहां पर आ गया, फिर डिवीजन पॉप हुआ, पॉप होके यहां पर ये आ गया। अभी मेरा एक्सप्रेशन ये बन चुका है और फिर और नीचे ये बचा है और यहां तक मैं स्कैन कर चुका हूं। सो नाउ करंट सिचुएशन ये है कि प्लस है पैरेंथीसिस है लेफ्ट और माइनस है और ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो स्टैक मेरा खाली हो चुका है अब, और ये मेरा एक्सप्रेशन बन चुका है पूरा, ये पॉप आउट हुए थे। अब यहां से आगे ये एक्चुअली एक पैरेंथीसिस मैं क्वेश्चन लिखते वक्त भूल गया था लगाना, तो ये यहां पर है। अब यहां पर नेक्स्ट मैंने स्कैन किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्कैन किया तो यहां पर आप अगर देखेंगे मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है माइनस से, तो बेसिकली क्या होगा मल्टीप्लाई आके स्टैक में पुश हो जाएगा। उसके बाद जी, जी को एज इट इज बाहर एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब अगेन एक पैरेंथीसिस एनकाउंटर हुआ, पैरेंथीसिस एनकाउंटर हुआ तो उसको बेसिकली आप बस डाल दो और ये पूरा पॉप आउट कर दो। पॉप आउट किया तो तरीके से करना है, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं करना, सबसे पहले ये बाहर आया, फिर ये बाहर आया। तो अब मेरा आखिरी जो बचा है वो इतना सा स्टैक बच गया है। तो लगभग हमारा क्वेश्चन खत्म ही हो चुका है। ये होने के बाद एस मेरा यहां पर इतना ही रह गया है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आप देखोगे तो यहां पर आपके पास है मल्टीप्लीकेशन, तो ये यहां पर अगर मैं देखूं एंटर अगर करना चाहता है इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है तो ये सीधा पुश हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आया एच, एच आ गया यहां पर। अब कोई भी एलिमेंट स्कैन करने के लिए नहीं बचा है तो स्टैक को आप लास्ट में पॉप आउट कर देते हैं, बस सबसे पहले ये पॉप हो जाएगा और उसके बाद ये, और ये आपका फाइनल आंसर। आपने इसको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। लेंथी क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ज्यादा मार्क्स में। एक क्वेश्चन और जो कि बिल्कुल कुछ अलग सा आपको, जिसमें मैं कुछ एक और ऑपरेटर एक अलग दिखाऊंगा, लेट से कभी ये आ गया या कभी डॉलर आ गया, कुछ अगर इस तरह से कोई उल्टे सीधे आपके ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उनकी जो प्रेसिडेंस वैल्यू रहती है वो सबसे हायर मान के चलते हैं हम लोग। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम दिखाएंगे। सो स्टूडेंट्स जल्दी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, सीधा इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कराऊंगा आपको। यहाँ पर ये एक सिंबल है जो आपको एक नया दिख रहा होगा। जब भी आपके पास ऐसा कोई या फिर डिफरेंट कोई डॉलर या कोई भी आपके पास जो भी आपके सिंबल्स रहते हैं और एक्स्ट्रा एनकाउंटर होते हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है उनकी प्रेसिडेंस वैल्यू हमेशा नॉर्मल आपके ऑपरेटर से ज्यादा रहती है। यहां पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने एनकाउंटर किया पैरेंथीसिस, देन ए, ए को एज इट इज बाहर लिख दिया, देन प्लस, देन बी, बी को एज इट इज बाहर लिख दिया, देन उसके बाद अगेन पैरेंथीसिस एनकाउंटर हुआ और यहां पर क्लोज हो गया। अब इसको अगर पैरेंथीसिस हो गया क्लोज हो गया तो ये पूरा पॉप आउट हो जाएगा, पॉप आउट होगा तो इसका मतलब ये प्लस यहां पर बाहर आ गया और यहां तक मैं अभी तक अपना स्कैन कर चुका हूं। सो अब नया स्टैक बनेगा। सो नेक्स्ट, अब यहां पर बिल्कुल ये स्टैक खाली हो चुका है। मैं यहां पर आपको इस तरह से कर रहा हूं बट एग्जाम में आपको प्रॉपरली करना रहेगा। अब स्कैन करा तो आपने यहां पर डिवीजन ऑपरेटर आया तो डिवीजन को स्टैक में डाल दिया, देन डी आया, डी को मैंने यहां बाहर डाल दिया। इसके बाद आया मेरे पास अपर एरो, उसको मैंने एज इट इज यहां डाल दिया। अपर एरो की प्रेसिडेंस हाई थी इसलिए मैंने उसको यहां पर डाल दिया है। स्कैनिंग यहां तक हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्कैन किया तो एक लेफ्ट पैरेंथीसिस आया, फिर एक और बार स्कैन किया तो एक और लेफ्ट आया। अब ई आया, ई को यहां पर रख दिया,
नेगेटिव, ये यहाँ पर माइनस आ गया, और फिर एफ स्कैन किया तो वो यहाँ डाल दिया, उसके बाद स्कैन किया तो ये आया। अब इसको यहाँ पर डाला जब राइट पेरेंथिसिस पर, तो आप देखो आपको यहाँ लेफ्ट मिला था और यहाँ राइट मिला था, तो ये पूरा पॉप आउट हो जाएगा, पॉप आउट होगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेटर है तो वो आपका बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद आपका स्टैक फिर से दोबारा आप बना सकते हैं। तो अब बस आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाइए प्लस, यहां पर अगर आप देखोगे ये सब होने के बाद प्लस जो है इसके ये एक पैरेंथेसिस आपके पास है, यहां पर आने का ट्राई करेगा, तो यहां पर मैं प्लस को डाल देता हूं। उसके बाद आपके पास आया जी, जी क्योंकि एक ऑपरेंड है सीधा यहां चला जाएगा, देन उसके बाद आपके अगेन राइट पैरेंथेसिस ये आ गया, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा, पॉप आउट हो जाएगा, तो ये प्लस यहां पर आ गया। अब अगर आप देखोगे इसके बाद का स्टेप, आपके पास ये बचा है और ये बचा है, कोई एलिमेंट बचा नहीं है, सब स्कैन कर चुके हैं, तो इनको बारी बारी पॉप आउट करोगे, तो ये निकला सबसे पहले अपर एरो, और देन उसके बाद डिवीजन आपका बाहर पॉप आउट हो जाएगा ये, और ये जो है आपका दैट इज योर फाइनल आंसर। सो ये जो क्वेश्चन था मैंने जल्दी जल्दी करा दिया, पीछे से इतनी प्रैक्टिस करा के आया हूं, आई होप आपने कैच कर लिया होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसके बाद भी मैं आपके पोस्ट फिक्स एंड इनफिक्स और इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स ये सब कराने वाला हूँ, टॉपिक्स जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था स्टैक नोटिफिकेशन के, तो उनको आप जरूर देखिए, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।